हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब लाल पैथोलॉजी के एमडी अरविंद लाल जी। अरविंद लाल जी, क्रेडिबिलिटी के मामले में आपका नाम बड़ा ऊपर है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सरकार ने जो अनाउंसमेंट किए हेल्थ केयर को लेकर, वो हेल्थ केयर में आगे देश को ले जाने के लिए कितने क्रेडिबल हैं? थैंक यू वेरी मच। ये जो हेल्थ बजट है, ये इसका कोई जो हमारे पास अभी आंकड़े आए हैं उसमें कोई 15% 15% की वृद्धि है, विच इज गुड। तो लास्ट ईयर कोई 77,300 करोड़ का था, इस साल 88,900 करोड़ का है, तो 15% वृद्धि अच्छी है आजकल के टाइम में। और आपको पता ही है कि पिछले 2-3 साल जो कोविड था उसने बिल्कुल ही भटा बिठा दिया था हेल्थ केयर का। और जो मेजर चीज़ें यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वगैरह में, इसमें भी वृद्धि कोई 13% की, ABPMJ में 12% की है। और आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हमने देखी है, जो है 123% फ्रॉम 1800 लगभग करोड़ से 4200 करोड़ का। तो ये काफ़ी अच्छा इस पर उन्होंने लिया है एक एक्शन। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो NHA और आभा ID आपने शायद सुना होगा, हेल्थ केयर में एक ID आ रही है जी, तो उसमें भी बहुत अच्छा इन्होंने करा है, 140 करोड़ से 341 करोड़ कर दिया है, विच इज 144% इंक्रीज इन द एलोकेशन। तो ये तो आंकड़े हुए। और दूसरा, इन्होंने 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस, जो एक बिल्कुल ही बहुत ही पुरानी हमारी डिमांड थी कि ये खोले जाएं, तो इन्होंने 157 जो मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने 2014 के बाद खोले हैं, उन्हीं के साथ 157 ये नए नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे। और एक हीमोग्लोबिन, जैसे आप बात कर रहे थे, एक हीमोग्लोबिन की डिजीज़ है इंडिया में जिसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो सेल होता है, रेड सेल होता है, राउंड होता है, पर इसमें वो थोड़ा सिकल की तरह हो जाता है, जैसे एक राइट हसिया होता है, सिकल सेल एनीमिया जी, हसिया की तरह हो जाता है ये। हाँ, तो इसमें हीमोग्लोबिन गिरता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये इंडिया में इसके कोई 7 करोड़ लोग मतलब इससे इफेक्टेड है। तो उसको उन्होंने कहा है कि हम ये जो मिशन है इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं 2047 तक। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है जी। और इसमें जैसे आपने आपको याद होगा कि मंगलयान जब सरकार ने अनाउंसमेंट करी थी जी, तो वो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर था जी। तो सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम जेनेटिक चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से जी जी। ये हम लोगों के लिए चुनौती भी है, अगर ये हो जाता है तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से और कई उम्मीदों को पूरा करने के हिसाब से बजट में प्रॉमिसेस तो दिखाई देती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती इंसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए।